हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मैसेज ये संदेश गया है कि सिद्धू हाईकमान के नजदीक हैं, वहीं अमरिंदर सिंह को हाईकमान तरजीह नहीं दे रहा। इस बीच सिद्धू की प्रियंका और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत में क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत से बात की। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। सर, नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात राहुल और प्रियंका से दोनों हुई, मुलाकात तो हुई लेकिन बात क्या हुई इसकी भनक किसी को नहीं लगी। अब क्योंकि आप प्रभारी हैं राज्य के, तो आपको तो जरूर भनक लगी होगी कि क्या बात हुई। एक तो मैं इस भेंट को एक सामान्य प्रक्रिया मानता हूँ, क्योंकि अपने नेता के पास आते हैं, सिद्धू जी भी प्रियंका जी और राहुल जी से मिले, जब हम अपने नेता के पास जाते हैं तो कुछ हमारे मन में जो भाव होते हैं वो भी बताते हैं, कुछ सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो मैं समझता हूँ सिद्धू जी ने अपने अनुभव से कुछ सजेशन दिए होंगे और वो सजेशन सारे मामले को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे और हम इसको उनका पर्सपेक्टिव कंट्रीब्यूशन माने। सर, आप कह रहे हैं एक सामान्य प्रक्रिया है कि कोई भी आता है अपने नेता से मिलकर के सुझाव दे सकता है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं 3 दिन तक रहे लेकिन उनको आला कमान से मिलने का समय और सुझाव देने का समय नहीं मिला, क्या उनके सुझावों की जरूरत नहीं थी? मैं एक बात कहूँ आपसे, अमरिंदर सिंह जी समय मांगे और उनको समय नहीं मिले हो ही नहीं सकता है, ये इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है। और वो कमेटी से मिलने के लिए आए थे और कमेटी से मिल करके उनका कार्यक्रम वापसी का था, अब उसमें आपने बिटवीन द लाइंस कुछ पढ़ दिया तो सर, कहा यही जा रहा है कि सिद्धू को ज्यादा तरजीह दी जा रही है और कैप्टन साहब को जो है कांग्रेस आला कमान नहीं सुन रहा है, इसलिए वो 3 दिन तक दिल्ली में रहते हैं, कोई उन्हें सुनता नहीं और सिद्धू आते हैं फटाफट से अपॉइंटमेंट मिल जाता है। जितनी कम तरजीह कैप्टन को दी जा रही है वैसी मुझको दें तो वो चीफ मिनिस्टर हैं, पार्टी हाईकमान और पार्टी के बदौलत तो चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए ये कहना कि चीफ मिनिस्टर को कम तरजीह दी जा रही है ये अन्याय है, ये पार्टी के प्रति अन्याय है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।